सिंधी पाई, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस आज मेरे पास ये कार जो कि है टाटा अल्ट्रोस, ये रेगुलर अल्ट्रोस नहीं है, दिस इज द ऑल न्यू आईटर्बो वेरिएंट जो कि टाटा मोटर्स ने रिसेंटली लॉन्च किया है इन द इंडियन मार्केट। इसमें आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको कनेक्टेड कार फीचर्स भी बाय द वे देखने के लिए मिल जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स स्पेस एंड ड्राइविंग इंप्रेशंस एज वेल। सो लेट्स वी स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर कुछ सवाल है तो आप श्योरली मुझे पूछ सकते हो ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज इन कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको इंग्लिश में वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल भी चेकआउट कर सकते हो, विच इज ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नाउ लेट्स वी स्टार्ट द वीडियो, लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो फ्रंट लुक काफी अग्रेसिव और बोल्ड लुकिंग आपको जो है अट्रैक्टिव लुकिंग फ्रंट प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाएगा। यह रहता फ्रंट, यहाँ पे आपको हनीक्रोम ग्रिल देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको टाटा का लोगो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली आपको जो है फ्रंट क्रोम लाइन यहाँ पे देखने के लिए मिलती है जो कंप्लीट आगे के प्रोफाइल को जो है कम्प्लीटली कवर करती है। और एक चीज जो है मैंने आपको जो है डीजल वेरिएंट के वॉकराउंड भी मैंने आपको दिया, वो भी वीडियो जो है यहाँ पे लिंक दे दूंगा, सो आप बेसिकली वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक शार्प एलिमेंट ये जो है ये कम्प्लीटली कवर करता है ब्लैक एलिमेंट फ्रंट प्रोफाइल को, जो बहुत ही बेहतरीन लगता है एट द फ्रंट। और जो बोनेट है वो भी काफी रोबस्ट और मस्कुलर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। टॉकिंग अबाउट द हेडलाइट्स, हेडलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो है नॉर्मल जो है हेलोजन प्रोजेक्ट का हेडलैम्प सेटअप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, आपको एलईडीज देखने के लिए नहीं मिलता है। फॉग लैम्प जो है वो भी आपको जो है हेलोजन मिलेगा। और ये जो है ये आपका डीआर मिलता है, फ्रंट प्रोफाइल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। अब साइड प्रोफाइल जो है मैं क्योंकि जो है आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे जिसके आप देख सकते हो साइड प्रोफाइल बेसिकली आपको जो है ग्लॉसी ब्लैक मिरर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्रोम आपको देखने के लिए मिलता है, साइड में आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है। साइड प्रोफाइल कंप्लीटली की बात करें तो यहाँ पे साइड प्रोफाइल जो है आपको बेसिकली अंडर 4 मीटर की लेंथ है इस कार की, 3990 टू बी प्रिसाइज, 3990 की एमएम की आपकी जो है लेंथ मिलती है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको जो 165 mm का जो है यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। और इस कार की जो यूएसपी है वो है इसके डोर्स, ये डोर्स जो है कुछ इस तरह से 90 डिग्री वाइड ओपन होते हैं। सो अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके घर पे तो उनको जो है अंदर जाना बाहर आना काफी आसान होने वाला है। यहाँ पे बेसिकली डोर पे जो है आपको रिक्वेस्ट बटन मिलता है, आपकी चाबी जो है आपको चाबी से अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, आपकी चाबी आप जेब में रखिए और यहाँ पे बटन जैसे आप प्रेस करेंगे तो लॉक हो जाएगी कार। लॉक होने पर आपका मिरर जो है वो बंद हो जाएगा और जैसे ही फिर से आप अनलॉक करते हो तो आपका मिरर कुछ इस तरह से खुल जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। आपको जो रूफ है कम्प्लीटली ब्लैक यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, आपको ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट आपको रूफ पे दिया गया है। अब चलते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे रियर प्रोफाइल में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको देखने के लिए मिलता है और दिस इज अ टॉप एंड मॉडल। तो टॉप एंड मॉडल में आपको जो है पीछे वाइपर और डिफॉगर भी देखने के लिए मिलता है, टाटा का बैज यहाँ पे आपको मिलता है, अल्ट्रोस का बैज यहाँ पे आपको मिलता है, रोज पाइन सेंसर्स यहाँ पे आपको मिलता है नीचे, और ये है आपका रोज पाइन कैमरा। बेसिकली आई टर्बो में यहाँ पे आपको आई टर्बो का बैज मिलता है, ये नया ब्लू कलर जो है टाटा मोटर्स ने आप इंट्रोड्यूस किया है इन द इंडियन मार्केट, ये भी काफी अच्छी बात है। टेल लैम्प्स की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको एलईडी टेल लैम्प सेटअप देखने के लिए मिलता है, विच इज अगेन वेरी गुड थिंग। एलईडी टेल लैम्प मिलता है, आपको जो है टर्न इंडिकेटर मिलता है, पीछे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे और आपका जो है पीछे का स्टॉक लैम्प आपका रिवर्स फॉग लैम्प मिलता है। आपको आपका जो बूट है वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे बेसिकली आपको बटन किया गया है जिससे कि आप बूट जो है अनलॉक कर पाएंगे ओपन कर पाएंगे, और यहाँ पे बेसिकली आपको एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक टेलगेट ओपनर भी दिया गया है। यहाँ पे जो है काफी बेहतरीन आपको स्पेस मिलता है, 375 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है इन द बूट ऑफ द टाटा मोटर्स, काफी अच्छा स्पेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ से जो है फिर से आपको आप बंद कर पाएंगे, यहाँ पे आपको पार्शियल शेल्फ जो है देखने के लिए मिलता है, स्पेस यहाँ आपको देखने को मिलती है इन द बुक ऑफ द आईटर्बो वेरिएंट। अब जो है मैं साइड प्रोफाइल जो है आपको जो है आपका सेकेंड रो में कितना स्पेस मिलता है वो मैं आपको आपको एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ से आपको जो है ओपन करना पड़ेगा। कमिंग ऑन टू द रियर प्रोफाइल ऑफ द कार, यहाँ पे जो है स्पेस ये मैंने कंप्लीटली आगे पीछे पुश कर दी है सीट, तो जैसे ही आप इसको आगे करेंगे यहाँ पे जो है मैं आपको जो है इस सीट को थोड़ा सा आगे पुश करके जो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का आपको स्पेस मिलता है। तो अब जो ये सीट जो है बहुत ज्यादा आगे भी नहीं है बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं है, इट इज समवेयर इन द मिडिल। और यहाँ पे जिसके आप देख सकते हो लेग रूम बहुत आपको अच्छा मिल जाएगा, यहाँ पे लेग रूम आप पैर स्ट्रेच कर सकते हो बिलो द ड्राइवर एंड द को ड्राइवर सीट।
और जो नी रूम है वो भी आपको काफी डिसेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। हेड रूम जो है वो आपको ओके आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको जो है आपको डोर हैंडल मिल जाएगा। फ्लोर कम्प्लीटली फ्लैट मिलता है कि आपको दो एडल्ट्स और बच्चे को आप आराम से बिठा सकते हो। अगर फिट और थिन लोग हैं लाइक मी तो आप डेफिनेटली जो है तीन लोगों के बीच जो है आराम से अकोमोडेट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको जो है सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग टू हैव। यहाँ पे बेसिकली आपको आपका एसी वेंट मिलते हैं और यहाँ पे जो है आपका 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है। ये सारी चीजें मिलती है। डोर पैड्स में बेसिकली आपको जो है 1 लीटर बोतल भी आप रख पाएंगे। तो ये बेसिक चीज है जो कि आपको देखने के लिए मिलती है इन द सेकंड रो ऑफ द कार। सो गाइस अब मैं जो आपको टायर प्रोफाइल दिखाता हूँ और उसके बाद हम लोग कार के अंदर चलते हैं और आपको जो है फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं वो एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा क्विकली। टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे जो है 195/55R16 16 इंच के आपको अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलते हैं इस पर्टिकुलर मॉडल के। सिमिलर टायर प्रोफाइल आपको जो है आगे पीछे देखने के लिए मिलता है। सो ये हो गई टायर प्रोफाइल की बात। अब कार के अंदर मैं जाता हूँ और आपको जो है क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। सो लेट्स गो टू द साइड। सो गाइस अब मैं आ चुका हूँ इनसाइड द कार। अब मैं जो है क्विकली आपको जो है क्या क्या फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाता है इन द टॉप एंड वेरिएंट ऑफ द अल्ट्रोज आई टर्बो वो मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डैशबोर्ड पर नजर डालेंगे तो डैशबोर्ड जो है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पे आपको डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। फिट फिनिश की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी मिलती है यहाँ पे आपको। यहाँ पे ड्यूल टोन आपको मिल जाता है। पहले जो आपको डार्क ग्रे कलर में मिलता है अब जो है लाइट ग्रे कलर में आपको जो है लोअर पार्ट जो है दिया गया है बाय टाटा मोटर्स। यहाँ पे आपको ग्लॉसी ट्रीटमेंट दी गई है सिल्वर में। डैशबोर्ड डेफिनेटली लुक्स क्वाइट नाइस। नाउ टॉकिंग अबाउट द फीचर्स विच यू गेट स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलता है। आपको जो है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग बाय द वे देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पे वॉल्यूम के लिए बटन दिया गया है आपको वो आप जो है कॉल एक्सेप्ट और रिजेक्ट यहाँ से कर पाएंगे। यहाँ पे आपको म्यूट के लिए बटन दिया गया है। सोर्स चेंज करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। यहाँ पे जो है बटन्स आपको दिए गए हैं फॉर योर क्रूज कंट्रोल यहाँ पे आपको दिया गया है और यहाँ से जो है आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उसको भी आप जो है एडजस्ट कर पाएंगे। सो यहाँ पे अगर आप मैं बताऊँ आपको बटन्स तो यहाँ पे भी आपको जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। यहाँ पे आपको बेसिकली आपके फॉग लैम्प के लिए आगे और पीछे के फॉग लैम्प के लिए बटन मिलता है और आपको जो है स्टार्ट स्टॉप फीचर भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सिग्नल पे आप खड़े हो तो आपकी गाड़ी जो है ऑफ हो जाएगी, जैसे ही आप क्लच प्रेस करेंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। डोर पैड्स की बात करें तो आपको 1 लीटर वाटर बॉटल होल्डर मिलता है। यहाँ पे आपको पावर विंडो स्विचेस दिए गए हैं। आप जो है आपके ORVMs को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो राइट में आपको स्पीडोमीटर मिलता है, लेफ्ट में टैकोमीटर मिलता है, सेंटर में MID मिल जाता है। यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको दिखा देगा। फॉर एग्जांपल आपका पावर एंड टॉर्क आउटपुट कितना मिल रहा है वो दिखा देगा और यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाएगा, आपको इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी दिखाएगा, एवरेज दिखा देगा, ट्रिप ए ट्रिप बी, ये सारी चीजें बेसिकली देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आपको जो है आपका हेडलाइट के लिए आपका लीवर दिया गया है, दिस इज फॉर योर वाइपर, ये बेसिक लीवर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब मैं जो है आपको जो है इसका म्यूजिक सिस्टम जो है दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये म्यूजिक बेसिकली जो है 7 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक आपको मिलता है। इसकी साउंड क्वालिटी मैं यहाँ पे आपको नहीं सुना रहा हूँ बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इश्यूज। हामन का म्यूजिक बेसिकली यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। साउंड क्वालिटी बहुत ही ब्रिलियंट है यहाँ पे और टच रिस्पॉन्स भी जो है वो काफी स्मूथ है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो टच रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिलता है यहाँ पे आपको। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे श्योर नहीं मिलता है। यहाँ पे बटन दिए गए हैं, यहाँ से आप टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर पाएंगे म्यूजिक को। होम के लिए बटन दिया गया, फेवरेट के लिए बटन दिया गया है और यहाँ से आप जो है ब्लूटूथ पेयर कर सकते हो। ये बैक के लिए बटन है। तो यहाँ पे जैसे ही आप फोन सेटअप में जाएंगे तो यहाँ पे पेयर कर पाएंगे आप। यहाँ पे व्हीकल सेटअप आपको मिलता है, पार्क असिस्ट के लिए ऑप्शन दिखा देगा, आपको लाइटिंग के लिए ऑप्शन दिखा देगा। लाइटिंग बेसिकली जो है आपका एम्बियंट लाइटिंग आपको मिलती है। ये जो आपका कंसोल है इसके पीछे आपको जो है एम्बियंट लाइटिंग जो है ब्लू कलर की देखने के लिए मिलती है। रात में बहुत ही सुंदर आपको वो देखने के लिए मिल जाएगी। ये जो है फीचर आपको मोस्टली जो है काफी प्रीमियम कार में ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी के लिए यहाँ पे आपको जो है बटन्स दिए गए हैं। टॉप एंड वेरिएंट में यहाँ पे जो है आपको एक्सप्रेस कूलिंग का जो है फीचर मिलता है। ये एक्सप्रेस कूलिंग के लिए बटन दिया गया है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो विंडोज जो है रोल डाउन होती है और फुल ब्लास्ट पे जो है आपका जो है जो ब्लोअर है वो काम करेगा। USB के लिए पॉइंट दिया गया है, 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ पे जो है आप अपना स्मार्टफोन रख पाएंगे। एंड दिस इज योर 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स जो कि काफी स्मूथ है इन टर्म्स ऑफ शिफ्ट्स। अब मैं जो आपको रिवर्स में डाल के दिखाता हूँ तो यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा और विद सेंसर्स और गाइडलाइंस आपको मिलता है। ये आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा स्टार्ट हो गया एंड दिस इज द रिवर्स पार्किंग गाइडलाइंस जो कि आपको एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ मिलता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है अगेन।
बात करें यहाँ पे एक बटन दिया गया है, दिस फॉर स्पोर्ट मोड। तो नॉर्मल रेगुलर आपको जो अल्ट्रोज मिलते हैं उसमें इको मोड मिलता है, इसमें आपको स्पोर्ट मोड मिलता है। यहाँ पे दो कप होल्डर्स है जहाँ पे आप चाबी वगैरह रख पाएंगे। यहाँ पे भी जो है ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट मिलता है, उसके नीचे आपको जो है छोटा स्पेस मिलता है जहाँ पे अपना कॉइन्स वगैरह रख पाएंगे। लेदर सीट आपको मिलती है, जो कि अगेन बहुत ही बेहतरीन आपको सीट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी लेदर के अंदर। सो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको सनवाइजर मिलता है विद रिसीट होल्डर, यहाँ पे आपको मिलता है लाइट, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे जो है आपको सनग्लास होल्डर भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपका माइक ऑब्वियसली दिया गया है। और यहाँ पे बेसिकली आपको जो है वैनिटी मिरर भी मिलता है सनवाइजर के अंदर। और एक चीज जो है कनेक्टेड कार टेक आपको मिलता है इस पर्टिकुलर कार में, जो कि टाटा मोटर्स ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। सो बेसिकली आपके फोन में जो है प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में आप जाके IRA जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप बेसिकली इस पेज पे आ जाएंगे। टाटा मोटर्स IRA ऐप आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और आपको जो है पेयर करना है आपके कार के साथ। इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ड्राइविंग आपको दिखा देगा, आपका ड्राइविंग स्कोर दिखाएगा आपके ड्राइविंग बिहेवियर के हिसाब से, ट्रिप एनालिटिक्स दिखा देगा आपकी ट्रिप के बारे में, आपको डिटेल्स बताएगा, लोकेशन बेस्ड सर्विस यहाँ पे आपको दिखा रहा है। जियो फेंस का मतलब ये है कि बेसिकली अगर आप एक शोफर ड्रिवन आदमी हो, अगर आप ड्राइवर आपका गाड़ी चलाता है और अगर आप नहीं चाहते कि वो एक सर्टन लिमिट के बाहर लेके जाए गाड़ी, तो आप बेसिकली 5-10 किलोमीटर का जो है रेडियस लगा सकते हो। जैसे ही आपकी कार उस रेडियस को पार करती है, बाहर जाती है, तो आपको जो है एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके स्मार्टफोन पे। रिमोट कंट्रोल से काफी सारी चीज बेसिकली आप कर सकते हो, आपको वॉइस कमांड भी इस कार में मिलता है। स्मार्टफोन से ही जो है आप अपना इंजन भी ऑफ टर्न ऑफ कर सकते हो, लॉक ऑन और लॉक कर सकते हो डोर्स को, आपका हॉर्न जो है वो भी आप ऑपरेट कर पाएंगे। सो ये सारी चीजें आप कर सकते हो यहाँ से। सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो भी काफी बेहतरीन है इस कार में। आपका जैसे ही कोई ट्राई करता है आपकी कार चोरी करना या फिर आपकी गाड़ी में घुसना, तो आपको जो इंट्रूशन अलर्ट बेसिकली आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा। और फॉर इंस्टेंस अगर आपकी गाड़ी चोरी हो भी जाती है तो आपको जो है आप गाड़ी को जो है ट्रैक कर सकते हो वाया द IRA ऐप। सो दैट इज अगेन अ वेरी यूजफुल फीचर। कनेक्टेड कार टेक आपको जो है अल्ट्रोज में भी मिलता है, नेक्सॉन में भी आपको देखने के लिए मिलता है। व्हीकल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिलता है, आपकी गाड़ी की हेल्थ कैसी है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इंजन कंडीशन कैसी है, आपके टायर्स की कंडीशन कैसी है, एयरबैग स्टेटस एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको यहाँ पे दिखा देगा। आपकी सर्विस कब ड्यू है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगी विद द कनेक्टेड कार टेक। सो गाइज आई थिंक मैंने सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया है अबाउट द इंटीरियर ऑफ द कार। नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट ड्राइविंग द कार और मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से की चलने में आपको मिलती है ये कार और किस तरह का कंफर्ट मिलता है, राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और किस तरह का पावर आउटपुट मिलता है वो भी बात करेंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट ड्राइविंग। सो गाइज अब मैं चला रहा हूँ ये कार जो कि है टाटा अल्ट्रोज आई टर्बो वेरियंट। ऑलरेडी मैंने आपको जो इसका डिटेल वॉकराउंड दे दिया है, अब बात कर लेते हैं अबाउट ड्राइविंग इंप्रेशन ऑफ द कार। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द इंजन। इसमें जो आपको इंजन देखने के लिए मिलता है वो है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन जो कि बनाता है 110 पीएस की पावर और 140 न्यूटन मीटर्स का टॉक। ये सिमिलर इंजन है जो कि आपको नेक्सॉन में भी देखने के लिए मिलता है, वहां पे थोड़ी सी ज्यादा पावर और टॉक ये प्रोड्यूस करके दे देता है। पावर परफॉर्मेंस के मामले में जो है काफी बेहतरीन इंजन है, आपको काफी अच्छी जो है परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मोटर। अगर बात करें 0-100 की, 0-100 ये काफी बेहतरीन टाइम में ये कर लेता है, अप्रॉक्स 11-12 सेकंड्स में जो है 0-100 गाड़ी पहुंच जाती है। सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग अबाउट द इंजन। अब इंजन की जो एक सरप्राइजिंग बात यह है कि जो रिफाइनमेंट लेवल है इंजन का वो काफी बेहतरीन है, आपको कैबिन के अंदर जो इंजन की आवाज जो है वो नहीं आती है। सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग अबाउट द इंजन की इंजन जो है बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है। आपको जो अंदर आएगी आवाज वो है अबाउट द रोड नॉइज आपको श्योरली अंदर थोड़ा सा आ सकता है। और एक चीज जो मुझे इतनी पसंद नहीं आई है अबाउट द टाटा अल्ट्रोज वो एक ही चीज है और मैंने काफी सारे टाटा कार्स के वीडियो में मैंने ये बताया है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कूलिंग करता है, लेकिन जब आप इसको फुल फैन स्पीड पे रखेंगे, फुल ब्लोअर स्पीड पे रखेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है काफी आवाज करता है। सो ये जो चीज है ये डेफिनेटली इम्प्रूव हो सकती है, ये जो ब्लोअर है थोड़ी ज्यादा आवाज करता है जब आप इसको फुल ब्लो पे रखेंगे, लेकिन एसी से कोई भी शिकायत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन कूलिंग आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगी एसी से। इंजन की बात करें तो रिफाइंड है बहुत ज्यादा इंजन, वो एक बहुत ही अच्छी बात है अबाउट द इंजन। वाइब्रेशंस की बात करें तो एक्चुअली आई वाज वेरी सरप्राइज कि आपको स्टीयरिंग व्हील पे कोई भी तरह के वाइब्रेशंस फील नहीं होते, गियर बॉक्स पे भी जो है गियर स्टिक पे आपको किसी भी तरह के वाइब्रेशंस फील नहीं होंगे। सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग अबाउट द इंजन। NVH लेवल्स जो है वो काफी वेल कंटेन किए गए हैं।
टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस, आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। ये इंजन जो है बेसिकली 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेयर किया गया है। ये जो गियरबॉक्स है बहुत ही स्मूथ है इन टर्म्स ऑफ शिफ्ट्स, तो अगर आप सिटी में भी कार चलाते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है कार चलाने में, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती आपको। जो क्लच है दैट इज ऑल्सो ऑन द लाइटर साइड, आपको जो है डेड पेडल भी यहाँ पे दिया गया है, सो दैट इज अगेन अ गुड थिंग। हाईवे पे जो है आप आराम से गाड़ी चला सकते हो, आप डेड पेडल पे पैर अपना स्ट्रेच करके आराम से चला सकते हो। अब बात कर लेते हैं राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस की, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है, एंड टाटा मोटर्स हैज श्योरली नेल्ड द कार इन टर्म्स ऑफ राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस। राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस बहुत ही बेहतरीन इस कार में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस आपको देखने के लिए मिलती है। जो राइड क्वालिटी है वो जो है काफी अच्छी आपको मिलती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, आपको परफेक्ट राइड क्वालिटी इस कार में मिलेगी। खराब सड़कों से जब आप लेके जाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन आपको राइड ये कार जो है प्रोवाइड करती है, और हैंडलिंग भी जो है शानदार आपको मिलती है। सिमिलर काइंड ऑफ जो है राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस आपको नेक्सॉन में भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन वहां पे आई थिंक थोड़ी सी राइड आपको स्टिफर मिलेगी, लेकिन यहाँ पे और भी ज्यादा कंफर्ट मिलता है। और जो स्टीयरिंग है इस कार का वो बहुत ही फीलसम स्टीयरिंग व्हील है, तो यहाँ पे आपको जो है कार चलाने में श्योरली बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा आपको एंगेजिंग ड्राइव मिलने वाली है। स्टीयरिंग व्हील इन टर्म्स ऑफ फील एंड फीडबैक बहुत ही शानदार है, और जैसे ही आप स्पीड बढ़ाते हो तो स्टीयरिंग व्हील भी जो है काफी अच्छी तरीके से वे अप कर लेता है, सो दैट इज अगेन अ ब्रिलियंट थिंग अबाउट द राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस। इस कार का राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। अब गाइस बात कर लेते हैं अबाउट द सेफ्टी फीचर्स ऑफ द कार। जैसे कि आप देख सकते हो यू टर्न लेना जो है बहुत ही आसान है बाय द वे। अब बात कर लेते हैं अबाउट द सेफ्टी फीचर्स ऑफ द कार। इसमें आपको ABS, EBD, ड्यूल एयरबैग्स और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, जो कि टाटा मोटर्स का इन हाउस डेवलप किया गया सेफ्टी फीचर है, वो मिल जाता है। वो बेसिकली आपको जो है गाड़ी को रोल होने से प्रिवेंट करता है, सो ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं। इनका आप क्रैश टेस्ट में इसकी बहुत ही शानदार रेटिंग इस कार को मिल चुकी है, सो इट इज अ प्रीटी सेफ कार टू बी इन एज वेल। सो काफी सेफ्टी के मामले में टाटा मोटर्स की लगभग सारी कार्स जो अब मिल रही है काफी बेहतरीन है। इनके आप क्रैश टेस्ट में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर जाती है, जैसे कि आप सब देख सकते हो। हाईवे स्टेबिलिटी जो है वो भी काफी बेहतरीन है इस कार की, सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। इनफैक्ट जो आपको फिट फिनिश मिलेगी इनसाइड द कैबिन वो भी काफी अच्छी है। अगर आप टॉप लेवल की बात करें, डैशबोर्ड का जो ऊपर का हिस्सा है डेफिनेटली उस पर जो है आपको प्रीमियम क्वालिटी के जो टचेस नजर आएंगे, फिट फिनिश लेवल जो है काफी अच्छी मिलती है आपको, स्पेस काफी अच्छा है कार में, तो ये सारी अच्छी बातें हैं। ड्रॉबैक मैंने आपको बताया सिर्फ एक ही मुझे अब तक मिला है, वो है इसका जो है ब्लोअर जो आप हाई स्पीड पे रखते हो तो थोड़ा सा जो है ये आवाज बहुत ज्यादा कर देता है इनसाइड द कैबिन, तो यही ड्रॉबैक लगा है। म्यूजिक सिस्टम आपको मैंने फीचर्स ऑलरेडी बता दिए हैं। बाय द वे इसमें दो मोड्स मिलते हैं आपको, स्पोर्ट मोड और सिटी मोड, तो यहाँ पे स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। और स्पोर्ट मोड में डेफिनेटली जो है आपको थोड़ा सा इंजन और भी ज्यादा पंची जो है रिस्पांस उसका देखने के लिए मिल जाएगा। ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स जो है बहुत ही बेहतरीन है, ब्रेकिंग क्वालिटी भी इस कार में जो है काफी अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाती है। सो ओवरऑल मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ इसमें कमियां ढूंढने जाए तो बहुत ही कम कमियां यहाँ पे आपको नजर आएंगी, और जो अच्छाइयां हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छाइयां हैं। लुक्स के मामले में बहुत ही बेहतरीन है, आपको जो है लुक्स बहुत ही शानदार है, आई थिंक मेरे हिसाब से सभी को पसंद आएंगे ऐसे इसके लुक्स है। एरोडायनेमिक है, शार्प लुकिंग कार है, सीट्स एज ऑलवेज जो है टाटा मोटर्स की कंफर्टेबल ही रही है वो इसमें है। सो गाइस आई थिंक मैं सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया है, आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। बाय द वे आई टर्बो वेरिएंट आपको तीन वेरिएंट के साथ अवेलेबल है, XT, XZ और XZ प्लस। प्राइस स्टार्ट होती है 7.74 लाख एक्स शोरूम से और जाती है ऑल द वे टिल 8.9 लाख एक्स शोरूम। सो ये प्राइसिंग की बात हो गई। ऑन रोड डेफिनेटली आपको जो है एक शोरूम क्रैप प्राइस मैंने आपको अभी बताई है। सो गाइस नाउ कमिंग ऑन टू द वर्डिक्ट, मेरे हिसाब से अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जो फन टू ड्राइव हो, जिसमें एंगेजिंग ड्राइव आपको मिले, सिर्फ इंजन ही पंचियर ना हो, आपको जो है राइड भी बेहतरीन मिले और आपको हैंडलिंग भी बेहतरीन मिले, तो डेफिनेटली आपको जो है टाटा अल्ट्रोस श्योरली कंसिडर करनी चाहिए मेरे हिसाब से। सो गाइस आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अगर स्टिल आपके कुछ सवाल है तो श्योरली आप मुझे पूछ सकते हो ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन ड्राइव सेफ, राइड सेफ, बाय बाय।